वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग हाउस एंड बिहार में आपका स्वागत है। जैसा आप लोग देख सकते हैं सुबह के बज गया आज अभी 8 बज रहे दोस्तों, और मैं फिर से एक राइड पे जाने वाला हूँ। तो मैं आज बहुत दिन के बाद अपने ब्लैक डायमंड को चलाने वाला हूँ दोस्तों, बहुत दिन के बाद, क्योंकि आप देख सकते हैं ठंडी बहुत है अभी। जितना ठंडी के बारे में तारीफ किया जाए दोस्तों, अभी 2-3 दिन से हम लोग का ब्लॉग आ ही ना पा रहा था, क्योंकि ठंडी इतना था दोस्तों कि घर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। तो आज वो दिन आ चुका दोस्तों, जो आज मैं अपने ब्लैक डायमंड के साथ जा रहा हूँ घूमने के लिए बहुत दिन बाद। तो आप पहले देख सकते हैं मेरे ब्लैक डायमंड अभी अपने जगह पे है, अभी उसका जगह बंदा दोस्तों, वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे उसका ब्लैक डायमंड का नया जगह। फिर अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ टेम्प्रोरी रखा हुआ कंप्लीट हो चुका हमारे घर में दोस्तों, एक महीना से हमारे पास ही है। तो इसको लाए थे लास्ट दिसंबर के टाइम, तो सॉरी नवंबर के लास्ट, नवंबर में लाए थे दोस्तों। आज इसका देख सकते हैं पूरा दिसंबर, तो आज एक महीना या 1.5 महीना हो चुका है दोस्तों हमारे घर में ब्लैक डायमंड। तो आज मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि घूमने के लिए जाया जाए अपने ब्लैक डायमंड पे। तो पहले तो वो दिन आ चुका दोस्तों जो मैं अपने ब्लैक डायमंड को भी मैं फुल्ली तैयार करने वाला हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं अपने मॉर्निंग राइड पर निकलने वाला। अगर ये ठंडी का मौसम है दोस्तों, इसलिए हम सोच रहे हैं कि राइड पर निकले जाए, ठंडी के कारण देहात पूरा ठंडी लग रही है। तो जब घोड़े पर हम लोग चलाएँगे तो ठंडी से एकदम राहत मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों चले वीडियो का लास्ट तक आप लोग बने रहते सकते हैं। मैं अपने घोड़े को लगाम लगा चुका हूँ, मैं अब इसके ऊपर जा रहा हूँ सैडल लगाने के लिए। जी हाँ, मैं उसके सैडल लगाऊंगा दोस्तों, मैं भी आपको कभी ये भी जाने के लिए रेडी है, मैं आपको दिखा जाऊंगा दोस्तों इसको कभी हम फुल तैयार करके आप लोग को दिखा जाएंगे किस तरह हम फुल तैयार करते हैं। फिलहाल अभी जो भी है इसी से आप बने रहे, मैं भी इसको सैडल लगा देता हूँ, तब तो उसके बाद आगे बैठ के जाया जाएगा। दोस्तों देख सकते हमारे काजल और ब्लैक डायमंड जो लगाते हैं, और नैना भी उधर से फूफू कर रही है, तो लग रहा कि मैं भी जाऊंगा बाहर। नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग नहीं जाओगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं निकल रहा हूँ अपने घोड़े से, घोड़े को लेके ब्लैक डायमंड को, मैं इसके बाद इसके ऊपर बैठने वाला हूँ। आज बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों, ठंडी के साथ मैं अपने घोड़े के चलाने वाला हूँ, जो बहुत मज़ा आएगा। एक तो ठंडी से एकदम चारों पट्टी अब कोहरा तो कम देखने मिलेगा, मगर ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो इसी क्रम में आज जब हम लोग राइड करने वाले रहेंगे, जो भी ठंडी एक चीज़ तो फ़ायदा होता है दोस्तों हम लोग को, जब राइड हम लोग करते हैं तो ठंडी में गर्माहट फील होता है, ये सब का खास ध्यान रखते हुए मैं दोस्तों मैं निकल चुका हूँ, मैं बैठ चुका हूँ अपने ब्लैक डायमंड के ऊपर, और ये सुबह सुबह निकल चुके हैं। मैं अपने खेत के रास्ते वाले से बगल से होते हुए मैं जा रहा हूँ, देख लीजिए आपको दिखेगा नज़ारा। तो ये रहा दोस्तों, अभी तक पानी नहीं सूख पाया हमारा, लगभग 6 माह प्लस हो चुका। अब उसे देखिए, ये पक्षी के लिए खेत बन चुका है, भारी भारी बहुत बड़े बड़े पक्षी आने लगे इस खेत में। तो बहुत कोशिश किए दोस्तों कि इसका पानी मेरे खेत का निकल जाए, तो इस सीज़न जो हमारे घोड़े का जो घास होता है, इस वजह से आज इस टाइम उपज नहीं पाया। तो अभी इस टाइम जय होता था तो जय खिलाते थे हम लोग। तो इस बार तो पानी ही नहीं सूखा, तो दोस्तों क्या कर सकते, आप इधर देख सकते पानी नहीं सूखने के कारण मैं अपने खेत पे नहीं लगा पाया, अपनी हरी भरी घास नहीं खिला पाया। तो कोई बात ना दोस्तों, मैं आगे कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पानी सूखेगा हमारे खेत का, उसके बाद लगाने की कोशिश करें। तो मैं आगे चलता हूँ। तो दोस्तों आज काफ़ी दिन के बाद मैं अपने ब्लैक डायमंड को तैयार किया, उतना अच्छे से तैयार नहीं किया दोस्तों, फिर एक मॉर्निंग राइड के लिए निकला खाली, बस सुबह सुबह सोचे आज घोड़े से निकलते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है, निकलना चाहिए। तो घोड़े को तैयार किया दोस्तों, उसके बाद पड़ाक से हम लोग निकल पड़े अपने हॉर्स राइड, हॉर्स की सवारी करने लगे। जब तक आप आपके पास घोड़ा हो, आप उसे जब तक चलाएंगे नहीं तो आपको मन ही नहीं लग सकता। अब 4 बच्चे मेरा छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिला, इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करता है। यस, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं फिर से एक
मेन रोड आ चुके हैं दोस्तों। फिर से आप लोग देख सकते हैं, मैं भी फिर से आज अपने घोड़े को मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस तरह मैं अपने घोड़े को चला रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी अच्छा ये रेवाल चाल फिर से चलने लगी, और ये काफ़ी अच्छा दोस्तों चलता है हमारे घोड़े रेवाल चाल, जो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रेवाल चाल चलती है और बहुत मज़ेदार देती है। तो काफ़ी दिन से हम चलाए हुए हैं दोस्तों अभी, और इसका स्पीड देखिए रेवाल चाल का स्पीड होगा दोस्तों 40+। क्या चल रही देख लीजिए, कभी उठती है कभी नीचे रहती है, काफ़ी अच्छा चलती है दोस्तों। वाह हे दोस्तों, मैं लेक चला 10B कॉलेज के पहाड़ों पे। आप देख सकते हैं चारों पट्टी जंगल ही जंगल है, फिर भी हम लोग घूमते घूमते काफ़ी दूर आ चुके हैं। ये पहाड़ की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ही 10B कॉलेज में है ये इसका लोकेशन, और ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल लोकेशन है जो इसको बहुत से आदमी के पता ही नहीं चलता। जस्ट स्टेडियम के सामने सामने है दोस्तों, यहाँ अभी आके आप लोग इंजॉय कर सकते हैं हमारे जो वातावरण के साथ है। ये थोड़ा सा ढलाव है दोस्तों, मैं धीरे से नीचे उतारने के लिए एक बैग स्लिप करने वाली जगह है दोस्तों, इसलिए इसके आप खास ध्यान रखा सकते हैं दोस्तों। मैंने अभी इसे बहुत ज़्यादा चला दिया एकदम ट्रॉट में तो चला रहा है दोस्तों, फिर गेलप भी चलाए भी हम, गेलप चलाने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा हो गया था। अब देख सकते क्या तरह स्थिति है, पूरे गंदा कर दिया दोस्तों। अब हमारे जंगल से बाहर निकल रहा हूँ दोस्तों, अब मैं चल रहा हूँ अपने घर की ओर। तो ये काफ़ी देर से हम लोग का राइड चल रहा था, सुबह की घुड़सवारी बहुत ही मज़ेदार रहा दोस्तों। तो अब मैं सोचता हूँ अपने घर की ओर चलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग राइड कर चुके हैं। फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आज अकेला ही हूँ, लेकिन आज मेरा ट्रेन नहीं आ सका मैं, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं अकेले निकल पड़ा अपने ब्लैक डायमंड को लेके। मैं चला अपने घर की ओर, हम लोगों ने काफ़ी देर से राइड बोल सकते दोस्तों, मैं लोग मॉर्निंग राइड कर चुका हूँ। जब हम लोग निकले हुए थे अपने घोड़े से तो काफ़ी ठंड थी, और ठंड के कारण हम लोग का ब्लॉग आ नहीं पा रहा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे बिहार में, अब भागलपुर ज़िले में ठंडी कम दिख, कोहरा कम दिखती है और हाँ ठंडी बहुत ज़्यादा लगता है, इसी सब कारण से हमारा ब्लॉग बंद था और ब्लॉग आ नहीं पा रहा था दोस्तों। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, मैं फिर से आज से स्टार्ट कर दिया दोस्तों, आप लोग को रोज़ रोज़ नए नए वीडियो फिर से मिलेगा, रोज़ का एंटरटेनमेंट आप लोग को जा रही है। फिर से देख सकते हैं मेरे साइड साइड हमारा जो ब्लैक डायमंड है आवाज़ मारते हैं, ये फिर से ये भी बोल रहा है ये हमारा, यस यस अब रोज़ आने वाला। तो चलिए दोस्तों आप लोग हम लोग घर चलते हैं, अब मिलता हूँ डायरेक्ट आप लोग को घर पर। और रोज का हूँ घर, हाँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं घर आ चुका हूँ, अभी आचार्य भी आए हैं, ये काफ़ी लेट हो चुका है दोस्तों, ये सोया ही रह गया तो सुबह सुबह न, तो ये आज आपको मेरे वीडियो में दिखने का मिलता। क्या आचार्य, तो अभी आचार्य का स्कूल बंद चल रहा है, तो हम लोग कभी चलेंगे, हम और आचार्य कभी चलेंगे फिर से एक मॉर्निंग सुबह सुबह राइड करने के लिए। तो आज हम लोग आ गए हैं, काफ़ी दिन बाद हम अपने ब्लैक डायमंड को चलाए और काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, क्या बताएं दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले थे हमारे छोटे छोटे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप लोग को भी इसी तरह दोस्तों आप लोग हमेशा प्यार बनाए रखे, और मेरे को मेरे हॉर्स राइडिंग बिहार को जितने हमारे टीम मेंबर थे इसके साथ भी हमारा प्यार, पिछले वीडियो आप लोग देख रहे थे काफ़ी दिन के बाद जा रहा दोस्तों, तो आप लोग हमेशा इस तरह ही प्यार बनाए रखे। तो और हमारा चैनल को इंस्टा पहले बता दो दोस्तों, मेरा चैनल यूट्यूब चैनल हॉर्स राइडिंग बिहार के नाम से है, दूसरा चैनल है इंस्टाग्राम पेज है हॉर्स राइडिंग बिहार, वहाँ भी जाके आप हम भी फॉलो कर सकते हैं और नए नए घोड़े के बारे में कुछ भी हमें जानकारी ले सकते हैं। और तीसरा पेज है हॉर्स राइडिंग बिहार फेसबुक पेज है, यहाँ भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और नए नए वीडियो जानने के लिए नए नए ब्लॉग आते रहता है, वहाँ इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो देखना न भूले दोस्तों,
जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना बोला दोस्तों। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अभी के लिए।